तो फ्रेंड्स आज सेकेंड डे है इंदौर में, तो अभी हम सुबह सुबह उठ के सब रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर कितना धूप है और मस्त व्यू है। चलिए बाहर का व्यू मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। अभी सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं, अभी ब्रेकफास्ट का फोर्थ फ्लोर में ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया है। तो चलो चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके आज कहाँ चलने जाएंगे। फिर आज तो रिटर्न है, बस यही एक दिन का था, तो एक दिन का जो भी था उतने में ही बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली हम लोग कंपनी इतना दूर कभी तो नहीं लाया है। जब पार्टी होता है तो वहीं अपने ही जगह में ही रतलाम में ही होता है, लेकिन इस बार कहीं दूर लेके आए, बहुत अच्छा रिसोर्ट में भी हम लोग रहे, तो बहुत ही अच्छा लगा। अपना बहुत जन फैमिली भी आए थे, लगभग 300 फैमिली आए थे, तो सबको इतना दूर लेके आना बस में, इतना अच्छा सबके लिए इंतज़ाम करना, ये कोई छोटी बात भी नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। तो चलो फिर जितना भी हो उतने में ही हमें खुश होना चाहिए, उतने में ही हमें इंजॉय करना चाहिए। तो चलो चलते हैं फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है फोर्थ फ्लोर जहाँ की हमें ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ाम किया गया है। बहुत सारा चीज़ हुआ था ब्रेकफास्ट में और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही हेल्दी चीज़ हुआ था, बच्चे लोगों के लिए भी बहुत हेल्दी था। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में स्टार्टिंग में हम लोग पहले जूस था, फिर चाय था, फिर फ्रूट्स वगैरह भी था, बच्चे लोगों के लिए मिल्क भी अवेलेबल था, सारा चीज़ हेल्दी सब अवेलेबल था। आप लोग देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में जिसको जो मन है वो खा सकता है, क्योंकि इतना सारा चीज़ एक जन तो कोई खा ही नहीं सकता। इवन कि साउथ इंडियन डिश इडली और डोसा भी था, पोहा था, सब कुछ बहुत ही हेल्दी था। जो कोई जो कुछ आपको पसंद है आप सब वही सब खा सकते हैं आराम से। सो फ्रेंड्स, यह है स्विमिंग पूल जो कि हम सुबह मिस कर दिए थे, जा ही नहीं पाए, क्योंकि 7:30 उठ के स्विमिंग पूल में नहाने का भी प्रोग्राम था, तो हम लोग उठते ही बहुत ही लेट हो गया। तो सबको बहुत ही एंजॉय किए स्विमिंग पूल में भी, और होटल का बाहर का व्यूज़ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। बस के ऊपर आप देख सकते हैं खाली गिफ्ट्स है, सब फैमिली लोगों को गिफ्ट्स मिला और बच्चे लोगों के लिए भी टेडी गिफ्ट मिला। तो अभी हम 10 बजे चेकआउट किए रूम, फिर जा रहे हैं पार्क जो घूमने का प्लान था। तो चलो फिर पार्क में कौन से पार्क गए और वहाँ पे क्या सब बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है सब दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर चलते हैं पार्क में। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं पार्क में घूमने के लिए। सो पार्क का नाम है द ग्रैंड मचल, तो उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, तो उसके लिए तो होल डे पूरा चाहिए, जो कि होल डे हमारे पास नहीं था, तो हमें अभी यहाँ से रिटर्न करके घूमना भी था। तो चलिए पूरा पार्क का पूरा व्यूज़ देख लेते हैं, अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है और हम लोग क्या क्या ट्राई किए। तो चलिए फिर पार्क थोड़ा घूम लेते हैं।
बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स पार्क के अंदर जाने के लिए आपको हैंड में ऐसे लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें अंदर जाने के लिए एंट्री देंगे और वहां पर भी चेक होगा कि आप लगाए हो कि नहीं लगाए हो। तो हम लगा लिए, अब रेडी अंदर जाने के लिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाटर स्प्रिंकल हो रहा है, पूरा होल पार्क में ऐसे वाटर स्प्रिंकल हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, गर्मी का भी मज़ा आ जा रहा था और बहुत ही सुंदर पार्क है। देखिए फ्रेंड्स, सब कोई साइकिलिंग भी कर रहे हैं, ये भी हम लोग करने वाले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या यहाँ पर है देखते हैं। साइकिलिंग चला रहे और मैं बैठी हूँ आराम से। सुरु स्पीड करो, स्पीड करो, हाँ स्पीड करो ना, स्पीड करो, स्पीड करो सुरु। देखो सुरु चला रहे साइकिल। पांचवें बच्चे क्या करें, वो तीसरा ही बेटी से नाला काले नहीं मिल बेटा नहीं है। ये है फ्रेंड्स फीस स्पा पेडिकर, आप देख सकते हैं जो मछली आके आपके पैर को थोड़ा थोड़ा ये करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। ये है बच्चे लोगों का पूरा गेमिंग शो, A to Z सिर्फ बच्चे लोगों का ही गेमिंग शो था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जगह है और सारे बच्चे इसके अंदर सब कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बैडमिंटन भी था, टेनिस भी था और सारा कुछ बच्चे लोग का एक्टिविटीज़ था और स्विमिंग पूल भी वहाँ पर अवेलेबल था। ये है वहाँ का रिसेप्शनिस्ट जहाँ पे आप कूपन लेके कुछ खाना हो तो पहले यहाँ पे कूपन लेके ही, चाहे पानी पूरी हो, आइसक्रीम हो, सब कुछ कूपन लेके ही वहाँ पे जा सकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे खाने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था और सब कुछ एक्टिविटीज़ के लिए भी था। हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं किए, जितना भी किए मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और आपको तो पता है डांसिंग का मुझे कितना शौक है, रील्स वीडियो भी बनाने के लिए। तो जहाँ पे व्यूज़ मुझे अच्छा दिखता है वहाँ पे मैं डांस करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, मैं कितना अच्छे से डांस कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद फाइनली कंपनी ने लंच का भी अरेंजमेंट किया था। तो लंच में देख सकते हैं कितना सारा चीज़ हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो वही जगह कंपनी ने अरेंजमेंट किया था लंच के लिए, कितना बड़ा जगह भी है और खाने में भी सब कुछ अवेलेबल था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन दही वड़ा थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा तो इसलिए वो वाला मैं दो बार खाई, बाकी और कुछ उतना नहीं खा पाए क्योंकि इतना धूप में घूम घूम के उतना खाने के लिए मन तो नहीं करता है। फिर भी थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा, खाने के बाद फिर हम लोग रिटर्न कर गए घर में। तो चलिए फिर घर में ही डायरेक्ट मिलते हैं। फाइनली अनबॉक्सिंग हो रहा है हमारे गिफ्ट का, देखते हैं शुरू को और हमें क्या गिफ्ट मिला है। ये क्या है, ये हॉटकेस मिला है। हाँ तो हॉटकेस तो क्या, ये तो काम का जी, फैमिली वालों को तो यही मिलेगा ना, दिखाओ। रोटी,
हॉट केस या फिर सब्जी गरम गरम रहने के लिए। इसको खोल दो। रोटी नहीं, जो मैंने देखी पागल आ गए खोली पकेले में।